Hello everyone, welcome back in the EdQuack classes. This presentation is for class 1, subject English grammar. Today's topic is book exercise of lesson 4, naming words. This is lecture 2 of lesson 4, naming words. In the previous lecture, we did the naming words. हमने naming words कर लिया था कि naming words क्या होते हैं. And in this lecture, we will be doing the book exercise of lesson 4. इस lecture में हम lesson 4 का book exercise करेंगे. So let's start with the book exercise of lesson 4, naming words. So before starting the book exercise, I am telling you the naming words. Again, मैं फिर से naming words बता रही हूँ कि naming words क्या होते हैं. Naming words are the name of a person, place, animal or a thing. किसी भी person का name, किसी भी place का name, किसी भी animal का name और किसी भी चीजों के name को ही हम naming words कहते हैं. For example, fan, bat, book, father, mother, Delhi, Gurugram, kitchen, garden, school. Elephant, dog, cat, these all are naming words. ये सभी क्या है? ये सभी naming words हैं. क्यों naming words हैं? क्योंकि ये सभी के नाम हैं. इनमें नाम है, इनका नाम है. हम उनके नाम से ही उनको बुलाते हैं और उनके नाम से ही हम इनको जानते हैं. So they all are naming words. अगर now I'm telling you the two words. अब मैं दो word बोल रही हूँ. Play and father. क्या प्ले किसी का नाम होता है? प्ले किसी का नाम है? नो. तो प्ले नेमिंग वर्ड नहीं है. अब मैंने दूसरा वर्ड बोला फादर. फादर किसी का नाम होता है? होता है. फादर हम पापा को बुलाते हैं. सो फादर इज अ नेमिंग वर्ड. तो नेमिंग वर्ड मीन्स नाम वाले शब्द. नेमिंग वर्ड मीन्स नाम वाले शब्द. नेम ऑफ अ पर्सन मीन्स किसी भी इंसान का नेम. Name of a place means किसी भी जगह का नेम. Name of a animal means जानवरों का नाम. And name of a thing means चीजों के नाम. So इन सभी को हम naming words कहते हैं. So now let's start with book exercise. This is exercise 1, page number 21. ये page number 21 पे जो exercise 1 given है. From here we will start. So question number 1 is look at the pictures. L-O-O-K, look at the pictures. Look at the pictures and write their names in the blanks given below. Look at the pictures. Look at the pictures means pictures ki taraf dekho, in chitron ki taraf dekho. And write their names in the blanks given below. Aur ye jo blank bane hain, in mein unka naam likho. Write means लिखो. लुक मीन्स देखो. लुक मीन्स देखो. राइट मीन्स लिखो. लुक एट द पिक्चर्स. पिक्चर्स की तरफ देखो. एंड राइट देयर नेम्स. और उनके नाम लिखो. इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो. और ये जो ब्लैंक गिवन है, इनमें हमें उनका पिक्चर्स को देख के उनके नाम को लिखना है. लुक मीन्स देखना. राइट मीन्स लिखना. लुक मीन्स देखना. राइट मीन्स लिखना. लुक एट द पिक्चर्स. पिक्चर्स की तरफ देखो. एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो. और उनके नाम, ये जो ब्लैंक्स गिवन है, उन्हें लिखो. सो लेट्स सी द पिक्चर्स. सो द फर्स्ट वन इज थिंक द नेम. नाम सोचो ये क्या है. दिस इज सेकेंड पिक्चर एंड दिस इज थर्ड वन. So, first picture किसका है ये? First picture is of sun. S-U-N, sun. Sun means सूरज. Sun means सूरज. ये spellings learn करना बहुत important है. सबको ही spellings learn होनी चाहिए. S-U-N, sun. Sun means सूरज. Second one is tree. T-R-E-E, tree. Tree means पेड़. T-R-E-E. Tree, tree means paid. Next one is camel. C-A-M-E-L, camel. Camel means oont.
कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, मींस रेगिस्तान जहाज। ये मेनली डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, मींस रेगिस्तान की जगह पे पाया जाता है ये। आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ सन, SUN, सन, सन मींस सूरज। सेकेंड पिक्चर इज ऑफ ट्री, TREE, ट्री, ट्री मींस पेड़। थर्ड पिक्चर कैमल, CAMEL, कैमल, कैमल मींस ऊंट। सन सूरज, ट्री पेड़, कैमल ऊंट। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ, ये किसकी पिक्चर है, थिंक अबाउट द आंसर। नेक्स्ट वन इज दिस एंड देन नेक्स्ट इज दिस वन। सो व्हाट आर दीज, इनके नाम क्या हैं? फर्स्ट वन इज बॉय, BOY, बॉय। बॉय मीन्स लड़का। नेक्स्ट वन इज फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल, फ्लावर मीन्स फूल। नेक्स्ट वन इज हाउस, HOUSE, हाउस, हाउस मीन्स घर, हाउस मीन्स घर। बॉय, बॉय मीन्स लड़का, BOY, बॉय, बॉय मीन्स लड़का। फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल, फ्लावर मीन्स फूल। नेक्स्ट वन इज हाउस, HOUSE, हाउस, हाउस मीन्स घर, हाउस मीन्स घर। नाउ एक्सरसाइज नंबर टू, गिवन ऑन पेज नंबर 23। अब ये एक्सरसाइज टू है जो पेज नंबर 23 पे गिवन है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज पिक आउट द नेम्स ऑफ एनिमल्स। नेम्स ऑफ एनिमल्स मींस जानवरों के नाम। बर्ड्स मींस पक्षियों के नाम। थिंग्स मींस चीजों के नाम। एंड प्लेसेस, प्लेसेस मींस जगहों के नाम। पिक आउट द नेम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, थिंग्स and places from the pictures given below. Write the names under the correct columns. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं एनिमल्स के, बर्ड्स के, थिंग्स के और प्लेसेस के, उनमें से हमें उनको पिक कर करके उन्हें सही कॉलम में हमें लिखना है। नेम्स ऑफ एनिमल्स मीन्स जानवरों के नाम, बर्ड्स मीन्स पक्षियों के नाम, थिंग्स मीन्स चीजों के नाम, प्लेसेस मीन्स जगहों के नाम। फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो, जो पिक्चर्स दिए गए हैं उनमें से इन सभी के नामों को पिक कर करके उसे हमें सही कॉलम में लिखना है। पिक मीन्स उठा के, पिक करके, चूज करके। सो दिस इज एक्सरसाइज टू ऑफ पेज 23। So these are the names, ये नाम दिए गए हैं। First one is cinema hall, cinema hall. Second is horse, HORSE, horse. Parrot, PARROT, parrot. Jacket, JACKET, jacket. Zebra, ZEBRA, zebra. Next one is pigeon, PIGEON, pigeon. Post office, chair, CHAIR, chair. Red fort, RED, red, FORT, fort, red fort. Crow, CROW, crow. Stool, STOOL, stool. Donkey, DONKEY, donkey. अब ये इतने सारे नेम्स गिवन है, अब हमें इन्हें चूज करके, पिक करके उन्हें सही कॉलम में लिखना है। सिनेमा हॉल क्या है? सिनेमा हॉल एक जगह का नाम है जहाँ पे हम जाते हैं मूवी देखने के लिए, ये एक प्लेस है। हॉर्स क्या है? घोड़ा, इट इज अ नेम ऑफ एन एनिमल, ये जानवर है। पैरेट क्या है? तोता, ये एक बर्ड है। जैकेट क्या है? जो हम पहनते हैं जैकेट, ये एक चीज का नाम है। नेक्स्ट वन इज जीब्रा, ये क्या है? ये भी एक एनिमल है। पिजन इज कबूतर, ये क्या है? बर्ड।
पोस्ट ऑफिस क्या है, डाक खाना, ये भी एक प्लेस का नाम है जहाँ पे हम जाते हैं अपने चिट्ठियों वगैरह के काम के लिए। नेक्स्ट वन इज चेयर, कुर्सी। कुर्सी क्या है, इट इज नेम ऑफ अ थिंग। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट मीन्स लाल किला है, और रेड फोर्ट कहाँ पे, इट इज इन दिल्ली, ये दिल्ली में है रेड फोर्ट, ये भी एक प्लेस है जहाँ पे हम घूमने के लिए जाते हैं, हम रेड फोर्ट को देखने के लिए जाते हैं, इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। क्रो, CROW, क्रो, क्रो मीन्स कौआ, ये क्या है, एक बर्ड है। स्टूल, STOOL, स्टूल, जिस पे हम बैठते हैं। नेक्स्ट वन इज डंकी, DONKEY, डंकी, ये भी क्या है, ये भी एक एनिमल का नेम है। नाउ वी हैव टू पिक द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स, प्लेसेस, एंड वी हैव टू राइट डाउन इन द करेक्ट कॉलम। अब हमने ये सारे नाम देख लिए, अब हम उनको सही कॉलम में लिखेंगे। सो द फर्स्ट कॉलम इज ऑफ एनिमल्स, एनिमल मीन्स जानवर। नेक्स्ट कॉलम इज बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स पक्षी। नेक्स्ट वन इज थिंग्स, THINGS, थिंग्स, थिंग्स मीन्स चीजें। नेक्स्ट वन इज प्लेसेस, PLACES, प्लेसेस मीन्स जगह के नाम। तो मैंने एनिमल्स के कॉलम में क्या क्या लिखा है, आई हैव रिटन हॉर्स, HORSE, हॉर्स, जीब्रा, ZEBRA, जीब्रा। नेक्स्ट वन इज डंकी, DONKEY, डंकी, हॉर्स, जेब्रा, डंकी। बर्ड्स के कॉलम में मैंने लिखा है पैरेट, PARROT, पैरेट मीन्स तोता। पिजन, PIGEON, पिजन, कबूतर। क्रो, CROW, क्रो, क्रो मीन्स कौवा। हम बर्ड्स किन को कहते हैं, जो आसमान में उड़ते हैं, जिनके पंख होते हैं, उन्हें हम बर्ड्स कहते हैं। थिंग्स, थिंग्स मीन्स चीजों के नाम। जैकेट, JACKET, जैकेट। चेयर, CHAIR, चेयर। नेक्स्ट वन इज टूल, STOOL, स्टूल। ये थे चीजों के नाम। अब है ये प्लेसेस के नाम, प्लेसेस मीन्स जगह के नाम। सिनेमा हॉल, जहाँ पे हम मूवी वगैरह देखने के लिए जाते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं, सिनेमा हॉल, ये एक जगह का नेम है जहाँ पे हम जाते हैं। नेक्स्ट वन इज पोस्ट ऑफिस, मीन्स डाक घर, डाक खाना, जहाँ पे हम अपने लेटर्स वगैरह देने के लिए जाते हैं, ये भी एक जगह का नेम है जहाँ पे हम जाते हैं। रेड फोर्ट, RED, रेड, FORT, फोर्ट, रेड फोर्ट मीन्स लाल किला, और रेड फोर्ट कहाँ पे है, इट इज इन दिल्ली, और ये भी एक जगह का नेम है जहाँ पे हम घूमने के लिए जाते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, एनिमल्स में हॉर्स, जेब्रा, डंकी, बर्ड्स, पैरेट, पिजन, क्रो, थिंग्स, जैकेट, चेयर, स्टूल, प्लेसेस, सिनेमा हॉल, पोस्ट ऑफिस, रेड फोर्ट। एनिमल्स मीन्स जानवर, बर्ड्स मीन्स पक्षी, थिंग्स मीन्स चीज, प्लेसेस मीन्स जगह। सो नाउ वी हैव अरेंज्ड देम इन देयर पर्टिकुलर कॉलम, इनके कॉलम के अकॉर्डिंग हमने पिक करके, अरेंज करके इसे लिख दिया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 24, दिस इज एक्टिविटी, वी आर डूइंग एक्टिविटी नंबर 2, हम 2 एक्टिविटी कर रहे हैं। नंबर 1 आई हैव गिवन फॉर होमवर्क, जो नंबर 1 एक्टिविटी है वो मैंने होमवर्क के लिए दिया है, तो हम नंबर 2 एक्टिविटी कर रहे हैं। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द नेम्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स। यहाँ पे क्रॉसवर्ड दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग हमें पिक्चर्स को देखना है और उनके नाम को लिखना है। यहाँ पे मैंने क्रॉसवर्ड नहीं बनाया है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली पिक्चर्स के नाम ले रही और पिक्चर्स ले रही हूँ और डायरेक्टली उनके नाम बता रही हूँ। आई हैव नॉट मेड दैट क्रॉसवर्ड पजल, ये अपने आप बुक में पिक्चर्स को देखेंगे यहाँ से और उसके अकॉर्डिंग अपने बुक में करेंगे। सो नंबर 2 इज कंप्लीट द क्रॉस वर्ड विद द नेम्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स। जो पिक्चर्स गिवन है उनके अकॉर्डिंग उनको देख के उनके नाम को लिखना है। सो लेट्स सी द पिक्चर नंबर 1। सो द फर्स्ट वन इज हॉर्स,
HORSE हॉर्स, इसको अपनी बुक में फिल करेंगे। सेकेंड वन इज हिप्पोपोटामस, सेकेंड वन इज हिप्पोपोटामस, इसे हम कैसे रीड करेंगे, हिप्पोपोटामस। फर्स्ट वन इज हॉर्स, HORSE हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। सेकेंड वर्ड इज हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस को हम दरियाई घोड़ा भी कहते हैं, दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटामस। इसको ब्रेक करके रीड करेंगे हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्नेल, SNAIL स्नेल, SNAIL स्नेल। नेक्स्ट वन इज ऑक्टोपस, नेक्स्ट वन इज ऑक्टोपस। यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स हैं और अपनी बुक में क्रॉसवर्ड पजल को देखेंगे जहाँ पे इनके पिक्चर्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग इनके नाम लिखेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, हॉर्स HORSE हॉर्स। सेकेंड नेक्स्ट वन इज हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस। नेक्स्ट वन इज स्नेल, SNAIL स्नेल, SNAIL स्नेल। नेक्स्ट वन इज ऑक्टोपस, OCTOPUS ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कहाँ पे रहता है, ये समुद्र में रहता है। स्नेल कहाँ पे रहती है, जमीन पे भी रह सकती है और पानी में भी रहती है। हॉर्स कहाँ रहता है, लैंड पे रहता है। हिप्पोपोटामस पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। नाउ लेट्स सी द अदर पिक्चर्स, सो द नेक्स्ट वन इज फ्रॉग, FROG फ्रॉग, FROG फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेंढक। नेक्स्ट वन इज एंट, ANT एंट, एंट मीन्स चींटी, ANT एंट। नेक्स्ट वन इज डक, DUCK डक। अपनी बुक में देखेंगे क्रॉसवर्ड पजल को और जहां पे ये पिक्चर्स बने हैं इनके नाम वहां पे लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज कैंगरू, नेक्स्ट वन इज कैंगरू। नेक्स्ट वन इज टाइगर, TIGER टाइगर। नेक्स्ट वन इज आउल, नेक्स्ट वन इज आउल। आई एम रिपीटिंग अगेन, फ्रॉग, FROG फ्रॉग, FROG फ्रॉग। नेक्स्ट वन इज एंट, ANT एंट, ANT एंट। नेक्स्ट वन इज डक, DUCK डक, DUCK डक। नेक्स्ट वन इज कैंगरू, कैंगरू, KANKAROO कैंगरू। नेक्स्ट वन इज टाइगर, TIGER टाइगर। आउल, OWL आउल, OWL आउल। फ्रॉग, एंट, डक, कैंगरू, टाइगर, आउल। सो दीज आर द नेम्स। Now the next picture is of tortoise, TORTOISE tortoise। इसे हम tortoise नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसे हम tortoise बोलेंगे, TORTOISE tortoise। Next one is iguana, IGUANA iguana। iguana छिपकली की फैमिली में होता है, छिपकली की फैमिली का है और ये जंगल में रहता है। इग्वाना, IGUANA इग्वाना। फर्स्ट वन इज टॉटस, TORTOISE टॉटस, TORTOISE टॉटस। नेक्स्ट वन इज इग्वाना, IGUANA इग्वाना, टॉटस इग्वाना। अब इनके नाम कहाँ पे लिखेंगे, जहां पे ये बने हैं क्रॉसवर्ड पजल में वहां पे इनके नाम को लिखेंगे।
So we have completed the book exercise of lesson 4 naming words. So your homework is do activity 1 given on page 24 in book. Page number 24 पे जो activity given है activity number 1 that you have to do in the book वो book में करेंगे. Now we have completed this lesson. So this is your homework. Thank you and have a nice day and don't forget to subscribe our channel at Quark.